नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का सीजन शुरू होने में काफी कम समय बचा है। ऐसे में राजस्थान रॉयल टीम से बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसमें पहली बड़ी अपडेट यह आ रही है कि कप्तान संजू सैमसन को लेकर कुमार संगकारा ने दिया बड़ा बयान। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी राजस्थान टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल की टीम दूसरे खिताब के लिए कुमार संगकारा की देखरेख में तैयारियों में जुट गई है। संजू सैमसन पिछले सीजन की तरह इस साल भी टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। कुमार संगकारा ने कप्तान संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा है कि कप्तान संजू सैमसन T20 भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। संजू सैमसन ने आईपीएल में 2013 में डेब्यू किया था। संगकारा को सैमसन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सैमसन इस साल न केवल रन बनाएंगे, कप्तानी का दायित्व भी बेहतर तरीके से निभाएंगे। कुमार संगकारा ने सैमसन की खूबियां बताते हुए कहा कि राजस्थान के कप्तान हमेशा ये स्वीकार करते हैं कि वे क्रिकेट में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वह सीखने में कभी पीछे नहीं हटना चाहते, चाहे वो कप्तानी क्यों न। संगकारा ने सैमसन को एक शानदार खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज और एक मैच विनर बताया है। उनके पास हर वह क्षमता है जो एक बल्लेबाज में चाहते हैं। पिछले सीजन में मेरे पद संभालने से पहले वे कप्तान थे, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। आपको बता दें कि आईपीएल 2021 में संजू सैमसन ने 14 मैचों में 40.33 की औसत से 484 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 136.72 का था। उसके अलावा पिछले सीजन में उन्होंने एक शतक, दो अर्धशतक भी लगाए थे। 2020 में उन्होंने 3 अर्धशतकों के साथ 158.79 के स्ट्राइक रेट से इतने ही मैचों में 375 रन बनाए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही कि हाल ही में तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन ने। विकेटों के मामले में रविचंद्रन अश्विन ने बनाया रिकॉर्ड। रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 15.08 की औसत से 12 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने कपिल देव के 434 विकेट के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। उनके नाम पर अब 442 विकेट दर्ज है और विश्व में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।